The question is, an elastic belt is placed around the ring of a pulley of radius 5 cm. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it is at P, 10 cm from O. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also, find the shaded area. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, ये हमारे पास एक पुली है और इसके ऊपर जो है एक इलास्टिक बेल्ट है। इलास्टिक बेल्ट को यहाँ से पुल किया गया और इसे पी पॉइंट तक ले जाया गया और ये जो पी पॉइंट है वो ओ से 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए बी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है जो कॉन्टेक्ट में है विद द रिम, राइट। ए क्यू बी से तो ये हमारे पास पुल हो चुकी है यहाँ तक, तो ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ये जो बेल्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो हमें एक तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है और हमें क्या फाइंड करना है कि जो शेडेड एरिया है ये सर्कल के बाहर जो हमें शेडेड एरिया नजर आ रहा है तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी आर्क की लेंथ या एरिया ऑफ सेक्टर कब फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है, तो पहले हमें ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब ये जो हमारे पास, अगर हम ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो ये जो दो ट्राइंगल है ओ ए पी एंड ओ बी पी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं, राइट। और हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या करेंगे हम, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और ओपी की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई और मेथड नहीं है, हमें इसी से फाइंड करना होगा। सो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी हमारे पास बनेगा कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास ओ ए की वैल्यू है 5, ओ पी की वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2 कहाँ पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो आ गया है 60 डिग्री, मीन्स ये थीटा की वैल्यू भी 60 होगी और इस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास 60 होगी। तो जो कंप्लीट एंगल है ए ओ बी ये हमारे पास हो गया 120 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 times theta, 2 into 60, दैट इज 120 डिग्री। अब हमें लेंथ निकालनी है, किस आर्क की निकालनी है, हमें किस बेल्ट की निकालनी है, ए से लेकर बी तक जो कि कॉन्टेक्ट में है रिम के। ठीक है, तो उसके लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इस तरफ का एंगल फाइंड करें, ये 120 है तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो फाइंड कर लेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की उसमें से हम ये ए बी माइनस कर लें। ठीक है, तो पहले हम ए बी ही फाइंड कर लेते हैं, ए क्यू बी, लेंथ ऑफ आर्क ए क्यू बी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एंगल है 120 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 3 by theta upon 360 into 2πr। अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रहता है, तो वैल्यू पुट करते हैं 120 degree upon 360 into 2πr, आर की वैल्यू हमारे पास 5, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 पे आ जाएगा ये, तो ये 10π/3 cm, ये हमारे पास ए बी की आ गई। हम पूरी सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर ऑफ पुली 2πr और r की वैल्यू हमारे पास 5, ये हमारे पास हो जाएगा 10π। तो लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, सपोज r, लेंथ ऑफ आर्क ए आर बी, यानी कि जो कॉन्टेक्ट में है रिंग के उस बेल्ट की लेंथ, तो वो सर्कमफ्रेंस माइनस जो आर्क हमने फाइंड की थी उसकी लेंथ, तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 20π/3 cm। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है, ये वो बेल्ट की लेंथ है जो कॉन्टेक्ट में है रिंग के साथ।
बाकी हमें फाइंड करना है इसका शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगल में से, एओपी ट्रायंगल में से अगर हम ये सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, इस सेक्टर का एरिया, तो ये हमारे पास शेडेड एरिया बचेगा। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे ही करना है। अब वो एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड्स की लेंथ चाहिए, ओ ए और ए पी। ठीक है, तो ए पी फाइंड करने के लिए पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी है हमारे पास 10, ओ ए है हमारे पास 5 और ए पी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 25 दैट इज 75 और ए पी आ जाएगा अंडर द रूट 75। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√3 सेंटीमीटर। तो जो ये ए पी है हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस यानी कि ओ ए इंटू हाइट यानी कि ए पी, हाफ इंटू 5 इंटू 5√3, तो आ जाएगा 25√3 बाय 2 सेंटीमीटर। और अगर हमें एरिया फाइंड करना है इसका शेडेड एरिया का, तो उसके लिए हमें ओ ए क्यू का भी एरिया चाहिए, राइट? या हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का, इसका 2 टाइम्स पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ओ ए पी बी, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, 25√3 बाई 2, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया के 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 120 डिग्री यानी कि जो एंगल ए ओ बी था वो हमारे पास था 120 डिग्री, अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर मीन्स 25। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 25, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 25 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ओ ए पी बी का हमने एरिया ये फाइंड किया है 25√3 और इसका एरिया आ चुका है 25/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 25/3 हम कॉमन ले लेंगे, अगर ओनली 25 भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए बाद में आपको एलसीएम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचे हमारे पास 3√3 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।